अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ TFT वर्जन 1.1। ये जो MTP बाईपास टूल है जो तमाम मॉडल में वर्क करता है, जिसका ये लेटेस्ट वर्जन है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने ओपन करना है, उसके बाद आपने एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट द एग्रीमेंट, और उसके बाद आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो आपने यहाँ पर TFT लिख लेना है। ये पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप TFT MTP बाईपास वर्जन 1.1। इसके अलावा जो बग्स थे वो भी फिक्स हो गए, और हवावी ADB इनेबल रिमूव FRP, और ब्राउज़र YouTube में जैसे सेम फ्रेम टूल हो गया, और उसके अलावा ईजी फ्रेमवेयर का सैमसंग FRP था, इसके अलावा जो मुस्लिम ओडन हो गया, और इसके अलावा हलाप्टिक टूल में भी ये ऑप्शन है। बहुत सारे टूलों में ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसमें नया ये है कि आप यहाँ से सैमसंग FRP विथ डायरेक्ट अलाइन शील्ड बैकअप नीड बैकअप एंड रिस्टोर ऐप्स। तो आप जो पहले सैमसंग मोबाइल में अकाउंट बनाते थे और आप प्ले स्टोर से अलायंस शील्ड को डाउनलोड करते थे, उसका बैकअप लेते थे सैमसंग अकाउंट में, सैमसंग मोबाइल में और सैमसंग अकाउंट में, तो उसके लिए सैमसंग मोबाइल भी लाजमी होना चाहिए था आपके पास, तो इसमें ये भी फिक्स हो गया है। और ये जो थीम ओपन लॉन्चर है, अच्छा अनलॉक सर्वर और विन रोम बाईपास का, और ADB मोड में इसका ये रिमूव FRP एंड रिमूव पासकोड। पासकोड का मतलब ये नहीं कि ये आईफोन वालों का, ये एंड्रॉयड मोबाइल में जो पासकोड आता है उसका है। तो इस नेक्स्ट कर लेते हैं, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, नो कर लेते हैं। इसका नाम हम थोड़ा चेंज कर ले, TFT MTP नेक्स्ट कर लेते हैं। और ये पूछ रहा है कि क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो आप इसे टिक कर दें, इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल छोटा सा टूल है, और इसका जो सेट है वो कुछ 17 MB है, 17 MB है, देख सकते हैं आप। इंस्टॉल होने के बाद अपने इसे सिंपली डबल टैप करके ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ये ओपन हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आप 64-bit विंडो यूज़ किया करें, और विंडोज़ 10 हो या 11 हो, तो 7 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें फिर मसले आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सैमसंग, इसके अलावा ब्राउज़र में आप YouTube और हवावी का आप ADB इनेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हवावी, तो ये हवावी के ऑप्शन इनेबल हो गए। और आप यहाँ से करेंगे सैमसंग, तो सैमसंग में जो YouTube ब्राउज़र, जो YouTube, उसके अलावा इंस्टॉल ऑल एंड्रॉयड ड्राइवर्स MTP डिजेबल सिग्नेचर ड्राइवर, और इसके अलावा सैमसंग हेड एंड सेटिंग गलेक्सी स्टोर न्यू 2021, सैमसंग बाईपास FRP विद डायरेक्ट अलाइन नीड बैकअप रिस्टोर ऐप। तो ये वही जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा यहाँ से सैमसंग ओपन थीम S8 लॉन्चर, और इसके अलावा जो FRP एप्लीकेशन है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज़र में ले जाएगा डायरेक्ट, वहाँ पर आप चले जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा ADB में आप रिमूव FRP और रिमूव पासकोड,
इसके अलावा रियलमी, तो आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप रियलमी अगर कोई भी मोबाइल हो तो आप यहाँ से एमटीपी में कनेक्ट करेंगे, और अगर वो एफआरपी लॉक हो तो लॉक हो या ना हो, लेकिन आप उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। और ओप्पो का भी सेम ही है, वीवो, हवावी में ये जो एडीबी इनेबल है तो आप यहाँ से एडीबी इनेबल कर सकते हैं एमटीपी में। शाओमी का भी है, कॉन्डोरी, और ये सारे डिवाइस दिए हुए हैं। आप ऑटो पे रहने दे तो ये खुद डिटेक्ट लेगा। तो उम्मीद है आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके जो मैं स्क्रीनशॉट है जो मैं टेस्ट करके वो भी डाल दूंगा, तो आप वीडियो को लाइक कर लिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।